गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, है ना। और अच्छा, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करने से पहले वही आप लोग 30 सेकंड के अंदर सबसे पहले आप लोग अपने अपने अटेंडेंस वगैरह शो करें, है ना, कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आज ऑनलाइन क्लासेस में अवेलेबल है ना, जो ऑनलाइन क्लासेस में अभी प्रेजेंट है, है ना। और जनरली आज का जो टॉपिक है बेटा, हाँ आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना। हाँ, आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का जो चैप्टर अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, ये के 12th का पार्ट है ना, नीट नर्सिंग, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स है ना, टॉपर स्टूडेंट्स है, तो एक 12th का पार्ट है। और इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, है ना, जैसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स, है ना, रासायनिक बल गति की। अब बेटा यहाँ पे रासायनिक बल गति की, है ना, केमिकल काइनेटिक्स ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है ना, और फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, और जनरली इसमें जो अपन स्टडी करते हैं, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, केमिकल रेट होती है, तो केमिकल रेट के बारे में अपन स्टडी करते हैं, जो केमिकल रेट होती है, जो अभिक्रिया की जो दर होती है, उसके बारे में जो अपन स्टडी करते हैं, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। अब ये जो क्या होता है, तो जनरली एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप एक नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप एक नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको प्रिपरेशन करने में समथिंग आपको 10 मंथ का टाइम लगता है, या 1 ईयर का जो समय पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है, तो 1 ईयर का टाइम पीरियड आपको लगता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए, नीट एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए आपको 1 ईयर का जो टाइम पीरियड जो लगता है, तो उसे छोड़कर जो टाइम पीरियड लगता है, अब जब आप सेलेक्ट होते हो, नीट में सेलेक्ट होते हो, तो नीट में सिलेक्शन के बाद आप 5 साल की जो डिग्री होती है, जो MBBS जो कोर्स करते हैं आप, उसके बाद आप क्या एक PG वगैरह करते हो, PG करने के बाद आप अपना एक खुद का भी क्लिनिक होता है, और गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो या खुद का हॉस्पिटल होता है, तो उस हॉस्पिटल में आप किस रेट से पैसा कमा रहे हो, जिस दर से आप पैसा कमा रहे हो, उसी दर को अपन किस में स्टडी करते हैं, अपन केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जनरली अपन रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, तो अभिक्रिया की दर के आधार पर जो रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। अब कौन कौन सी होती है बेटा, 3 टाइप्स की होती है, तो सबसे फास्ट, सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है वेरी फास्ट होती है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना, एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, सेकंड नंबर पे होती है वेरी स्लो रिएक्शन, है ना, कौन सी होती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है, और फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर पे होती है मॉडरेट रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है, ठीक है, याद रखना। तो कैसी होती है, अति तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, और दूसरी होती है मंद अभिक्रिया, है ना, मंद अभिक्रिया, अति तीव्र, अति मंद, और मंद अभिक्रिया। जो अति तीव्र अभिक्रिया होती है बेटा, तो अति तीव्र अभिक्रिया कहां पे होती है, जहां पे जो आयनिक, जो जितनी भी आयनिक स्पीशीज होती है, तो उस आयनिक स्पीशीज में कौन सी रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। तो जैसे आयनिक स्पीशीज की बात करते हैं बेटा, जैसे बात करते हैं AgNO3, देखो ये AgNO3 प्लस NaCl, है ना, AgNO3 प्लस NaCl, है ना, AgNO3 प्लस NaCl क्या होता है, AgNO3 प्लस NaCl। अब AgNO3 के लिए रिएक्शन, जब आप NaCl देखो यहां पर कैसे, ये कैसे यहां पर केटायन और एनायन, Ag+1 NO3- Na+1 Cl-, जब ये आपस में रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा यहां पे, AgCl+NaNO3, देखो ये प्रेसिपिटेट के रूप में, PPT के फॉर्म में, ये PPT जिसे कहते हैं आवश्यक कहते हैं, PPT प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, है ना, याद रखना। एक और होती है, जैसे बात करते हैं एसिड और बेस की, HCl+NaOH बिलियस, क्या बन रहा है यहां पे, NaCl+H2O केटायन एनायन, केटायन एनायन। तो जो आयनिक फॉर्म में होती है, जो जितने भी आयनिक स्पीशीज, जितनी भी रिएक्शन होती है, वो कैसे होती है, वेरी फास्ट होती है, कैसे होती है, वेरी फास्ट होती है। सेकंड नंबर पे होती है, फर्स्ट नंबर पे होती है वेरी फास्ट होगी, सेकंड नंबर पे जो होती है वेरी स्लो रिएक्शन, और वेरी स्लो रिएक्शन जनरली आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना, ये कैसे होती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है, कैसे होती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है। और थर्ड नंबर पे होती है, वो होती है जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, ना, जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, वो सारी कैसे होती है, मॉडरेट होती है, कैसे होती है, मॉडरेट होती है। और मॉडरेट में जैसे एग्जांपल, जैसे बात करते हैं 2H2O2, है ना, देखो ये 2H2O2, है ना, तो 2H2O2 बिल्कुल सर 2H2O+1/2 O2, है ना, 2H2O+1/2 है ना, 2H2O+O2 भी बोल सकते हैं, या 2H2O+O2, है ना, जैसे बात करते हैं 2H2O+O2 सॉरी
टू एच टू ओ प्लस ओ टू, ये कैसी होती है? मॉडरेट रिएक्शन होती है। हुई क्लियर? तो तीन रिएक्शन होगी, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट बेटा, जो टॉपिक है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है जिसे कहते हैं आर ओ आर, है ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो समय के साथ साथ, है ना, समय के साथ साथ अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी ही कहते हैं अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी चेंज इन कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। ठीक, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट एंड, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टेक इन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेक इन टाइम, है ना, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो उसको ऐसा ले सकते हैं डेल्टा एक्स या डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, है ना, या इसको ऐसा ले सकते हैं प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी, प्लस माइनस डीसी अपॉन डी, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से भी और सी से भी। अब प्लस में और माइनस में ये दो चीजें होती है। बेटा प्लस में किस कंडीशन में, माइनस में किस कंडीशन में? देखो ध्यान दो, प्लस डीसी अपॉन डीटी इधर होता है, माइनस डीसी अपॉन डीटी, है प्लस डीसी अपॉन डीटी, मतलब प्लस किस कंडीशन में और माइनस किस कंडीशन में, एक आपको बताना चाह रहा हूं। कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन है आर विल यूज पी प्रोडक्ट, ठीक है, आर फॉर क्या है रिएक्टेंट, पी फॉर क्या है प्रोडक्ट। टी जीरो पर, देखो टी जीरो पर जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी होती है, 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है। एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती है टी जीरो पर, जब टाइम जीरो होता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, जीरो होती है। ठीक है, जैसे देखते हैं ना अपन कि जब किसी चावल को कुकर में अपन पकाते हैं, है ना, कुकर में रखते हैं, तो स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो होता तो चावल 100% कैसा होता, कच्चा होता। देखो 100% कैसा है, कच्चा, कच्चा किस फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में। लेकिन अपन को पता है कि वो चावल को पकने में समथिंग 10 मिनट का समय लगता है, कितने मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है, आपको पता है ना कि चावल को पकने में 10 मिनट का समय लगता है। तो जब टाइम जीरो था, जब अपन ने गैस ऑन किया जस्ट, है ना, रेगुलेटर ऑन किए, गैस को ऑन किए, तो वहां पे पूरी तरह से चावल 100% कच्चा था और पक्का चावल कैसा था, 0% था। लेकिन कुछ सेकंड पश्चात, T0 T सेकंड पश्चात, जैसे बात करते हैं 5 मिनट बाद, है ना, 5 मिनट बाद ये देखा गया कि जो चावल 100% कच्चा था उसमें से आपको पता है कि कंप्लीटली पकने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन अपन ने 5 मिनट बाद अपने गैस को ऑफ कर दिया, 5 मिनट बाद जब गैस को ऑफ किया तो अपने ये देखा कि, या 5 मिनट बाद देखा कि जो कच्चा चावल था वो 50% किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पक्के चावल में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50% कन्वर्ट हो गया, है ना, मतलब प्रोटीन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 50% हो गई। तो जो रिएक्टेड की कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 50 माइनस 100 माइनस 50, मतलब किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैसी हो, डिक्रीज हो रही है, और प्रोटीन कंसंट्रेशन कैसी हो रही, इंक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100 से 50 और ये कैसी होगी, 0 से 50, मतलब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज। जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसको कहते हैं माइनस, उसको लिखते हैं माइनस डीसी अपॉन डीटी से, और जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है उसे लिखते हैं प्लस डीसी अपॉन डीटी से। हो गया क्लियर? मतलब ये है निर्माण की दर, है ना, किसकी दर, निर्माण दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन, है ना, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब ये विघटन की दर, मतलब घट रहा है, विघटित हो रहा है, घट रहा है, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई बस समझ में, इसलिए इसको यहाँ पे माइनस डीसी अपॉन डीटी और इसको प्लस प्लस डीसी अपॉन डीटी। तो समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। अगर बेटा यहाँ पे ग्राफ की बात करते, देखो यहाँ ग्राफ एक एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस, है ना। इस एक्स एक्सिस में अपन देखो, इस एक्स एक्सिस में अपन किसको ले रहे, अपन टाइम को ले रहे, किसको ले रहे, टाइम को ले रहे, और इधर किससे ले रहे, अपन कंसंट्रेशन को ले रहे। जब टाइम जीरो होता, देखो जब टाइम जीरो होता तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती, 100% होती, मतलब ये जीरो, ये यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्या 100, है ना। जब टाइम जीरो होता तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती, 100% होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती, जीरो होती है। लेकिन जब टाइम टी सेकंड पश्चात देखा जाता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 50% इंक्रीज होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% कैसी होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ क्या हो रही है, घट रही है,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों ही कंसंट्रेशन आपस में कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जब दोनों, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कंसंट्रेशन जिस स्टेट पर इक्वल होती है उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। आई बात समझ में? अभिकारक के साथ समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, जहां पे रेट ऑफ, जहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड होती है, और जहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वो रेट ऑफ, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में इक्वल होते हैं उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, है ना। तो अभिक्रिया की दर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकिंग टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। इसलिए अभिकारक की सांद्रता को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर यूनिट की बात करते हैं बेटा, यूनिट देखो, यूनिट की बात कैसे करेंगे, तो यूनिट आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपॉन टाइम आपको पता है सेकेंड, है ना। तो क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी फास्ट।